भाई आप अपने धर्म के प्रचार के लिए अगर हिजाब पहन के जाते हैं तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो लोग, हर धर्म के लोग होते हैं, अपने अपने हिसाब से अपने अपने को पेश करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर हिंदू मुस्लिम नज़दीक हो रहे हैं, बिहार के स्कूल कॉलेज में लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, अब हिजाबा में पढ़ाई कैसे होगा। कर्नाटका में हुए हिजाब विवाद पर अब बिहार में भी सियासत गर्म है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसको कांग्रेस की प्रवृत्ति बताई है कि कांग्रेस की वजह से ये स्थिति कर्नाटका में हुई है, इसका समर्थन अब बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने कहा है। उनका भी कहना है कि जहां पर भी देश में इस तरह की घटना होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मानसिकता होती है। जिस तरीके से कर्नाटका में हिजाब के विरोध में कॉलेज में कई छात्र भगवा गमछे पहनकर आए थे और जय श्री राम के नारे लगने लगे थे, इसके बाद कर्नाटक सरकार ने 3 दिनों के लिए कर्नाटक में सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू है, उनका कहना है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में उनका अपना ड्रेस कोड होना चाहिए, ना कि कोई भगवा गमछा होना चाहिए, ना हिजाब होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षण संस्थान का जो ड्रेस कोड है उसे सभी स्टूडेंट को फॉलो करना है, ना कि कोई रीजनल, अगर कोई रिलीजियस कल्चर के कोई वस्त्र है उसे स्कूल और कॉलेज में अनुमति नहीं होनी चाहिए। और बिहार में भी इस तरीके से जो हिजाब को लेकर जो कभी ना कभी पहले विवाद हुआ था उस पर भी कहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरे सही तरीके से चल रही है और बिहार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इस मामले पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। देखिए, जहाँ भी कुछ विवाद होता है तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस का हाथ जरूर होता है। और जहाँ तक हिजाब पहन के स्कूल कॉलेज में जाने का सवाल है, तो लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, अब हिजाबा में पढ़ाई कैसे होगा, ये ज़रूरी है क्या? आप रास्ते में पहन के जाइए, बाकी जगह जहाँ जाना जाइए, मंदिर मस्जिद में जाना है तो जाइए, पढ़ाई के जगह पर पढ़ेंगे कैसे आप? अगर आँख बंद कर लेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ाई वाले जगह पर तो इसका ध्यान रखना ही पड़ना चाहिए कि भाई हम कैसे पढ़ाई करेंगे। और ये सारा न्यूसेंस जो है ना चुनाव की वजह से लोग पैदा करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर हिंदू मुस्लिम नज़दीक हो रहे हैं तो उस पर भी इसका असर डालने के लिए, दूर करने के लिए तरह तरह का लोग न्यूसेंस करते रहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है उस पर भी बातों को आना चाहिए। नहीं, विरोध में क्योंकि लड़कों ने भी भगवा रंग के गमछे पहनकर स्कूल में आया, उसके बाद लगातार जय श्री राम के नारे वो लगा रहे हैं। देखिए, जब ये कुछ ना कुछ इशू होता है तो लोग, हर धर्म के लोग होते हैं, अपने अपने हिसाब से अपने अपने को पेश करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत ही गलत है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, दूसरा आदमी फिर जवाब में कुछ नहीं करेगा, तो लोगों को लगता होगा कि भाई आप अपने धर्म के प्रचार के लिए अगर हिजाब पहन के जाते हैं तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। हम तो सबों को मना करेंगे, जो गमछा स्कूल कॉलेज में गमछा का भी कोई काम नहीं है, कोई इस तरह का नहीं जाए, स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल में जाए, नहीं तो सादे ड्रेस में स्कूल जाए, जो पढ़ाई लिखाई का माहौल है उस तरह से जाए, बस सीधी बात। बिहार के स्कूल कॉलेजेस में भी क्या इस तरह के प्रतिबंध लगे? बिहार के स्कूल कॉलेज में लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट दिखना चाहिए, उसमें कोई धर्म और जाति का कोई पहचान नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट सारे हमारे स्टूडेंट हैं, और जो स्टूडेंट का ड्रेस है वही पहन के जाना चाहिए।